जो बरसाना आज तक नहीं गया ना, वो एक बार बरसाना जरूर हो करके आया। क्योंकि बाकी बिहारी जी से यदि आपने मुलाकात करनी है तो उसका केवल एक ही साधन है, वो है राधा रानी सरकार। केवल राधा रानी सरकार, राधा रानी सरकार ही है जो आपको बिहारी जी से मिला सकती है। आइए श्री राधा रानी जी के चरणों में पुकार करते हुए कि श्री राधा रानी आज ऐसी कृपा कर दें कि जो लोग बरसाना नहीं जा पाए आज तक, आज उनको श्री जी स्वयं बुला लें, और जो जाते रहते हैं उनकी आने की स्कीम में बढ़ोतरी हो जाए। यदि महीने में एक बार आते हैं तो दो बार हो जाए। जय हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा क्या है बरसाना में, ऐसा कई लोग पूछते हैं। अगर मेरी बहनें पीछे जो बैठी हैं यदि वो सुनना चाहें तो सुन सकती हैं, यदि बातें आपकी खत्म हो जाएं तो। एक गुलाब सखी के नाम से एक मुसलमान भक्त हुए हैं, गुलाब खान के नाम से। उन्होंने केवल राधा रानी नाम पुकारा नहीं, कभी राधा रानी का नाम नहीं पुकारा, सिर्फ ये भाव, क्योंकि उनकी बेटी का नाम राधा था, उनकी बेटी का नाम राधा था, और वो राधा रानी के नाम का गुणगान ऐसे करते थे, राधा 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 राधा, और उनकी जो पुत्री थी राधा रानी वो नृत्य करती थी। एक बार किसी कारणवश, बहुत लंबी कथा है, ज्यादा कथा में नहीं जाएंगे अन्यथा 3 घंटे लगभग कथा के लिए चाहिए। राधा रानी जो उनकी बिटिया थी गुलाब सखी की, उसका विवाह हो गया। गुलाब खान जो सारंगी बजाता था और उसकी बेटी नाचती थी, विवाह हो गया, गुलाब खान ने सारंगी बजाना छोड़ दिया, सारंगी बजाना छोड़ दिया उस गुलाब खान ने कि किसके लिए बजाऊंगा, मेरी बेटी नहीं है। एक पिता को पता है जब उसकी बेटी उसको छोड़ करके ससुराल जाती है, पिता के दिखाता ना हो लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर कोई रोता है तो वो पिता है प्यारे, सबसे ज्यादा यदि कोई रोता है तो पिता है। सारंगी बजाना छोड़ दिया गुलाब खान ने, लेकिन राधा रानी को उस सारंगी की और उस राधा 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 नाम की आदत सी पड़ गई थी प्यारे, आदत सी पड़ गई थी। राधा रानी स्वयं उसकी पुत्री का रूप बना करके गुलाब खान को उसके घर से खींच लाई कि बाबा आज आप सारंगी बजाओ, मैं फिर नाचूं। राधा रानी तब तक तृप्त नहीं हुई जब तक गुलाब खान ने सारंगी नहीं बजाई। सारंगी बजाते 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 राधा रानी नाच रही है और गुलाब खान ने अपने शरीर के प्राण त्याग दिए। राधा रानी स्वयं अपने परिकर में गुलाब खान का हाथ पकड़ करके लेके गई, केवल राधा नाम गुणगान गाने से प्यारे। ना जाने उन प्राणियों का क्या होगा जहां राधा नाम संकीर्तन हो रहा हो और वो लोग सम्मिलित होने के बावजूद भी राधा रानी का नाम नहीं ले पा रहे, ना जाने उन प्राणियों का क्या होगा। केवल राधा 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 कहने से राधा रानी ने गुलाब खान को, मुसलमान उस भक्त को, अपने श्री परिकर में प्रवेश दे दिया। आज भी आप बरसाना जाइए तो जब आप बरसाने की परिक्रमा करेंगे, अटारी की परिक्रमा करेंगे, तो आपको बीच में गुलाब खान का चबूतरा नाम से एक जगह मिलेगी, वो है गुलाब खान की सखी। लेकिन रसिकों का मानना है कि आज भी, क्योंकि इसका समय समय पर लोगों को दर्शन होता रहता है,
आज भी गुलाब खान सखी के रूप में, मजरी सखी के रूप में श्री जी के परिकर में विराजमान है। आइए उसी राधा रानी के नाम का गुणगान करते हुए एक बार दोनों भुजा उठा करके, खुदा ने पूछ लिया क्या बैकुंठ जाना है, खुदा ने पूछ लिया क्या बैकुंठ जाना है, रसिकों ने भी कह दिया क्या वहां बरसाना है, ऐसा है श्री जी का बरसाना। आइए उसी भाव के साथ, खुदा ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, खुदा ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना है, तेरा प्यार लगे बरसाना में, प्यारी तेरी ऊंची अटारी है, महलों में बैठी वो प्यारी लगे, श्यामा बरसाने बारी है, तेरा पागल भी तेरे चरणों में प्यारी जाए सदा बलिहारी है, एक तेरी कृपा जो हो जाए तो मिल जाए वो बांके बिहारी है, क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तो बांके बिहारी तो कभी पास भी नहीं भटकते, इसलिए राधा नाम से ही। खुदा ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है। मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना है। श्री बरसाना धाम की कहां है स्वर्ग में ऊंची अतारी के दर्शन। ना है रंगीली गली और ना है कहवर वर। मेरा तो ख्वाब है,
मेरा तो पाप फकत उनको ही रिझाना है, मेरा तो पाप फकत उनको ही रिझाना है, मेरा तो पाप फकत उनको ही रिझाना है, मेरा तो ख्वाब फकत उनको ही रिझाना है। इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है। कहाँ देखूंगा मैं गोविंद को रिझाते हुए, 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 रूठी राधा के चरणों में गिड़गिड़ाते 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 हुए। मान मंदिर का यहाँ हर कोई दीवाना है, 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 इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना 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 है। बोली ऊंची है तारी वारी की है, आनंद होगा लठ मार होली का, नहीं रसपान होगा मधुर ब्रज की बोली 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 का। मुझे उन चौक चौबारों का दर्श पाना है, मुझे उन चौक चौबारों का दर्श पाना है, मुझे उन चौक चौबारों का दर्श पाना है, उन चौक चौबारों का दर्श पाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना 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 है। खुदा ने पूछ लिया वैकुंठ जाना है, खुदा ने पूछ लिया वैकुंठ जाना है, खुदा ने पूछ लिया वैकुंठ जाना, पूछ लिया वैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ पर जाना है।